साल बाद महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। शहर का प्रसिद्ध संती गणेश उत्सव व सांस्कृतिक मंडल की ओर से इस साल वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की प्रतिकृति तैयार की जा रही है। मंडल की ओर से हर साल देश के प्रसिद्ध मंदिरों की प्रतिकृति तैयार की जाती है। शहर में इसी के लिए ये मंडल प्रसिद्ध भी है। इतना ही नहीं, प्रतिकृति के साथ वहां की वातावरण निर्मिति भी की जाती है। इस साल मंडल की ओर से बांके बिहारी मंदिर की प्रतिकृति साकार की जा रही है। त्यांच्या हस्ते त्यांच्या परंपरेप्रमाणे त्यांच्या सात्विकतेप्रमाणे त्यांच्या वातावरणाप्रमाणे त्या सगळ्या आरत्या या ठिकाणी होईल आणि सकाळीची मंगल आरती आहे या आरतीकरता आम्ही सगळ्या लोकांना नागपूरकरांना आवाहन करतो आपल्या सगळ्या मीडियाच्या माध्यमातून की सकाळची जी तिथली आरती होते वृंदावनची त्या आरतीचा साक्षात्कार त्या आरतीचा साक्षात लाभ आपण या ठिकाणी घ्यावा असं सगळ्यांना आम्ही आवाहन करतो की सुद्धा या आरती या ठिकाणी होईल। तिथला जो काही टिपिकल नैवेद्य असतो मग तो पक्का खाना हो गया कच्चा खाना हो गया मग छप्पन भोग जो आहे छप्पन भोगचा नैवेद्य आपण एक दिवस या ठिकाणी करणार आहे। आमच्या ज्या महिला या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्या महिलांच्या नेतृत्वामध्ये जवळपास 200-300 महिलांची सामूहिक महाआरती आम्ही या ठिकाणी करू आणि त्याच आरतीच्या दिवशी हा छप्पन भोगचा कार्यक्रम या ठिकाणी होईल। तर तात्पर्य सांगायचं हे आहे की फक्त आम्ही रेप्लिका स्ट्रक्चर डेकोरेशन करत नाही तर ज्या ज्या मंदिरांची रेप्लिका डेकोरेशन थीम आम्ही या ठिकाणी साकारली त्या त्या मंदिरांचं तिथलं पावित्र्य तिथलं वातावरण तिथला प्रसाद तिथली आरती आम्ही या ठिकाणी साकारण्याचा प्रयत्न करतो आहे। माझी यानंतर ज्या काही व्यवस्था आमच्या आहेत त्यामध्ये सगळ्या जे दर्शनार्थी या ठिकाणी येतील त्या सगळ्यांची सुरक्षा व्यवस्था जवळपास 100 जो हम गणपती का जो पूजा करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। इसका हम सनातन धर्म जो भी करते हैं कोई भी चीज में क्या ऐसे ही नहीं करते हैं उसके पीछे सब साइंस रहता है। तो उसी के लिए मैं जो ये एक छोटा सा गणपति का पूजा क्यों किया जाता है और गणपति को हम अग्र पूजा का अधिकारी क्यों कहते हैं तो उसके बारे में पद्म पुराण में कथा आती है। इसमें शिव जी जो हैं वो अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें गणपति बाबा आ गए उनके कार्तिक आ गए और बहुत सारे देवी देवता तो शिव जी उनको पढ़ाते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते वो काफ़ी चीज़ उनको बताते रहते हैं। तो उसमें देखिए उसमें भी वो शिक्षा दी जाती थी वो कितना आध्यात्मिक रहता था। उसमें वो बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर घर में बैठ के अगर भगवान का अगर नाम लेता है तो वो पूरे संसार में जितने भी तीर्थ हैं सब तीर्थ को वो भ्रमण करके स्नान करके दान करके जो फल मिलता है वो सिर्फ घर में बैठ के अगर राम कृष्ण हरि विठल विठल कृष्ण नाम लेता है राम नाम लेता है तो उसको सारे के सारे पुण्य फल उस घर बैठे मिल जाता है सिर्फ भगवान का नाम लेने से। इसीलिए भगवान शिव जी हम देखते हैं कि हमेशा इनके ध्यान में रहते हैं हमेशा इनके राम का नाम जप करते रहते हैं तो वही शिक्षा वो अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो फिर बताते हैं कि भगवान का नाम कितने पावरफुल है कितना अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो भगवान के नाम से वो सार सकता है। तो उसके लिए बता रहे हैं नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण मुक्त नित्य शुद्ध अभिन्न स्वत नाम नाम। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी BCN न्यूज नागपुर।